तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आखिर भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव को बर्बाद करने के पीछे का कारण क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखते रहिएगा। आखिर खेसारी लाल यादव को बर्बाद क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और खेसारी लाल यादव के फैंस होंगे तो एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव के आए दिन गाने को डिलीट किया जा रहा है, अनब्लॉक किया जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है, और गाने को काफ़ी आप लोग हद तक देख पा रहे होंगे कि उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है ताकि इसका व्यू भी कम मिल सके। तो आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, और आखिर खेसारी लाल यादव को बर्बाद क्यों किया जा रहा है? तो सबसे पहला तो रीज़न आप लोगों को मैं बता दूँ कि इन दिनों की बात करें तो भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में छाए हुए हैं। जहाँ तक कि मैं बात करूँ, कई कई जगहों पर भी मैंने बात किया कि आखिर भोजपुरी में आप लोग किसको जानते हैं, तो काफ़ी लोगों का यही जवाब था कि मैं खेसारी लाल यादव को सबसे ज़्यादा जानता हूँ। यानी आप लोग समझ सकते हैं कि बिहार और झारखंड और यूपी ही नहीं, कई कई राज्यों में भी खेसारी लाल यादव की पॉपुलरिटी इतनी बढ़ चुकी है कि उनको आज नाम सभी लोग जान रहे हैं। वहीं बात करते हैं पॉपुलर के लेकर, तो भोजपुरी का नंबर वन स्टार जब मैंने गूगल पर सर्च किया तो वहाँ पर भी भोजपुरी को दबंग स्टार खेसारी लाल यादव को ही दिखाया गया। जबकि बात करते हैं खेसारी लाल यादव की गाने को, तो महीना में 20 से 22 गाने आप लोगों को देखने को मिल रहा है, फिल्म बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है, और भोजपुरी में सबसे ज़्यादा इनकम भी करने वाले खेसारी लाल यादव, मेहनत भी करने वाले खेसारी लाल यादव, और नाम भी कमाने वाले खेसारी लाल यादव ही हैं। इसलिए ये है कि खेसारी लाल यादव को कैसे बर्बाद किया जाए, कैसे उसको नीचा किया जाए ताकि और भी स्टार ऊपर चढ़ सके और खेसारी लाल यादव नीचे जा सके, यही एक मेन कारण है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी का दम नहीं है कि वो भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव को नीचा दिखा सके और खेसारी लाल यादव को नीचा गिरा सके। हालांकि एग्रीमेंट की बात एक मैं बता दूं, जहां पर काफ़ी सोशल मीडिया पर चल रहा है, उसकी तो पूरी जानकारी अभी तक मेरे पास नहीं है। हालांकि एग्रीमेंट अगर कुछ कुछ हुआ होगा तो उसको जल्द सॉल्व करके खेसारी लाल यादव एक बार फिर से नए रूप में आप लोगों को नजर आएंगे। और एक लास्ट बात कि खेसारी लाल यादव को ना कभी कोई झुका पाया था, ना झुका पाएगा, और ना कभी उसको कुछ छू भी पाएगा। इस पर आप लोगों का क्या कहना है जरूर कमेंट करिए। खेसारी लाल यादव के फैंस होते एक लाइक और एक कमेंट तो आप लोगों को चाहिए ही। कमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।